ओ मेनका बेनी दे रेतिका। कौन है, कौन पुकारते है? हमको हमारे मालिक ने भेजा है, उनको और तुम्हारे मौड़ी को आज रात के लिए तलब किया है। जे काम हम नहीं करते ना हमारी मौड़ी करते। जाओ भैया, कौनो औरो झोपड़िया का सांकल खट। रुको मेनका बेटी, तुमको हमारे साथ चलना पड़ा था। मालिक हुजूर का हुक्म है कि बीमार बेंडी ना आए तो ना आए, लेकिन वो किमार किरण बेंडी जरूर आना चाहिए। निकालो अपने मौड़ी को बाहर और भेजो हमारे जीप में। ना भेजे तो ये हमारे पचपेरा बंदूक देखिए, तुम्हारे लाश गिराएंगे और तुम्हारे मौड़ी को बोरा में भर के ले जाएंगे, समझी? ए कारिंदे, बंदूक तो हमारे पास भी है, लाश तेरी गिर सकती है। और ये है हमारी नेपाली गुप्ती है। किसी भी तरीके से निकालते निकल जा कारिंदे, और फिर पचपेरा लेके पूरा दिन आई यहाँ। मालिक हुजूर को ना कह के अंगारा फाका है तुम लोगों ने। हाँ है, हाँ है। हम तो कह देंगे, अंजाम सोच लो। ये बात तुम सब लोगों को आपके मोल पड़ेगी, समझे? हाँ हाँ। और एक और चीज बता देना, हाँ, हमारे पूरा की पुलिस चौकी यही खुल रही है मेन रोड के पास। हाँ, एक महीने में बन जाएगी और 2400 घंटे पुलिस तैनात रहेगी यहाँ। अरे बेटी, चाहे तो का नहीं कर सकते है, और टीच पे पढ़ी लिखी हो और स्टेज पे नाचती हो तो और क्या कहने। अरे तब तो बड़े से बड़ा अफसर भी तुम्हारे घाघरे का टका हुआ सितारा हो सकता है। तमीज से बात कर। अब ये बेनी उसे भी मेरे को तमीज से बात करने की जरूरत है। अरे जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? जाते हैं, जाते हैं। जाए। मालिक को सब बताएंगे। चलो, भाजो। निकल।